खरीद भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा दिन वेट करना होगा, फिर से वापस आएंगे एकदम नए अवतार में। ये भी नए अवतार में आएगी और हम भी नए अवतार में वापस आएंगे गाइस। और भाई ट्रक वाले ने क्या सजा रखा है यार, देख सकते हैं। तो फिलहाल तो जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, बिकॉज अगर PCR का नज़र एक बार पड़ गई तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है और वो लोग एकदम पागलों की तरह एकदम पीछे पड़ जाएंगे, एकदम जैसे पागल पीछे पड़ता है ना उस तरह का ये लोग पीछे। हेलो गाइस, सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड गाइस आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ, बिंदास मजे में गाइस। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं है गाइस, बिकॉज आज के लिए मतलब मेरा कुछ दिन से ख़राब दिन चल रहा, तो जिसके कारण मतलब ब्लॉग उतना मज़ेदार नहीं आ रहा गाइस। और आज का ब्लॉग फिर भी हम इंटरेस्टिंग बनाना चाहेंगे, बट मेरा सबसे बड़ा दुख है गाइस इस बात का कि मेरा GoPro ख़राब हो चुका है। मेरा GoPro ख़राब हो गया है क्योंकि GoPro में जो नॉइज़ है वो सर 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 आ रहा है, उसके कारण हम वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ा दुख की बात है मेरा गाइस ये। और अभी काफ़ी टाइम से मतलब ब्लॉग अच्छे से चल भी नहीं रहा, बिकॉज कैमरा का बहुत ज़्यादा इशू है और कैमरा इतना महंगा है कि तुरंत ले भी नहीं सकते हैं। अब ये कैमरा लेने जाएंगे तो कम से कम 30,000 पड़ जाएगा, तो और इसीलिए मतलब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गया। और ये वाला कैमरा मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 8 महीना हुआ परचेज़ किया हुआ, बट क्या ही कर सकते हैं, ख़राब होना जब किस्मत ख़राब रहता है तो ख़राब हो ही जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो अभी देख सकते हैं नज़ारा, अभी हम खड़ा है गाइस फिलहाल जो 4 लेन है वहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पे रांची रोड है और इधर से पुरलिया रोड है और इस साइड है बोकारो वाला रोड, और फिलहाल हम यहाँ पे खड़ा है। और ये मेरी बाइक है देख सकते हैं गाइस, जब इसको देखते हैं तो सब गम भूल जाते हैं गाइस, जो भी कुछ भी ख़राब होता है कैमरा उमरा कुछ भी, इसको देखने से मेरा सारा गम दूर हो जाता है। तो गाइस देख सकते हैं फिलहाल मेरी बेस्ट ब्यूटी और यहाँ का लोकेशन कैसा लग रहा है इवनिंग का टाइम। तो गाइस अभी हमको कुछ दिन हमको ऐसे ही खड़े होकर के वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज अभी GoPro लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो जिसके कारण मतलब हमको कुछ खड़ा होकर ही वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा गाइस, और चेहरे में स्माइल बना रहना चाहिए यार, कुछ भी हो गम तो आते रहेगा ज़िंदगी में यार, फिर भी खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो गाइस दिखाते हैं, और बहुत सारा भाई लोगों ने एक चीज़ मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे बहुत सारा कि भाई आपने ये कहाँ से लगवाया, मतलब जो जो मेरा बाइक को स्पेशली देखा है उन लोगों ने एक चीज़ मेरे से बार बार रिक्वेस्ट करके पूछ रहा था कि ये चीज़ है, और ये प्रॉपर दिख रहा होगा ये वाला स्विच है, तो ये वाला स्विच एक्चुअली मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि इसके लगाने से मेरा जो बैटरी है वो ज़िंदा बचा हुआ है, अदरवाइज उसको अगर नहीं लगाते तो मेरा बैटरी डेड हो जाता है पूरा, ऑलमोस्ट एक बैटरी डेड हो चुका है। और ये दूसरा है ये भी डेड होने ही वाला था कि मेरे भाई ने थोड़ा सा सजेशन दे के ये लगाया है। और इसका पता है आप लोग को इसका मेन काम क्या है, इसका जो मेन काम है जो जैसे हम लोग बाइक को ऑफ करते हैं ना, देखिए अगर ये ऑफ है अभी ऑफ है और चाबी को ऑन करते हैं तो फिर भी लाइट नहीं आएगा, बिकॉज इसका मेन काम है ये पावर को कट करके रखता है, अभी जो है इसको स्विच देने पर भी ऑन नहीं होगा जब तक नहीं हम इसको देंगे, तो इससे क्या होता है कि मेरी बैटरी ज़िंदा रहती है। ज़िंदा रहने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें GPS लगा है और GPS एनी टाइम वर्क करता है, आप बाइक को अगर घर पे भी रख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो GPS वर्क करता है, जिसके कारण मतलब इसका बैटरी डेड होने का संभावना रहता है। तो जैसे ही इसको हम इसलिए लगाएं क्योंकि बाइक को जब भी हम एक दो दिन अगर नहीं निकालते हैं तो इसको ऑफ करके रख देने से, इसको अगर हम ऑफ करके रख देंगे तो क्या होता है ना, बैटरी एकदम पूरा उसका करंट बाइक से चली जाती है, देख सकते हैं इधर देख सकते हैं देख रहे हैं गाइस, बैटरी एकदम नहीं एकदम वर्क नहीं करेगा, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे देख सकते हैं, इधर ऑन किए अब देखिए प्रॉपर फिर से वर्क करने लगेगी, देख सकते हैं ये वर्क करने लगी। तो इसमें इससे एक चीज़ मेरा फ़ायदा हुआ है कि मेरा जो बैटरी है वो अभी तक ज़िंदा है, अदरवाइज जो मेरा नया वाला बैटरी था वो मेरा ऑलमोस्ट 6 महीना के 8 महीना और ख़राब हो गया, तो ये भी वही सिस्टम होने ही वाला था फिर, लेकिन हम जब दिमाग लगाया कि ऐसा मेरा भाई जब कर दिया तो अभी बैटरी तो भाई ज़िंदा अभी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम में। तो मैं खास करके Yamaha R15 Bifor वालों से कहना चाहता हूँ कि अगर जिस किसी भाई का ये दिक्कत आ रही है तो कृपया करके आप लोग ये वाला सिस्टम लगवा लें, बैटरी से मतलब बैटरी को कनेक्शन कट करने वाला सिस्टम लगवा लीजिए तो आपका बैटरी ज़िंदा रहेगी। तो गाइस
और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बट और एक चीज़ है, हम आप लोग से सजेशन लेना चाहते हैं। मेरे पास कुछ कुछ एडिटिंग, मेरे पास कुछ कुछ फ़ोटोज़ हैं, देख सकते हैं गाइस ये वाला फ़ोटो। तो हमको रैप करवाना है, मतलब इसमें रैपिंग करवाना है, तो कौन सा कलर में रैपिंग करवाएंगे? ये कलर है, ये कलर ऑप्शन है, ये कलर ऑप्शन है, और ये कलर ऑप्शन है, ये कलर ऑप्शन है। तो आप लोग को जोन वाला, आपको जो भी कलर अच्छा लगेगा गाइस, जोन वाला, जो वाला कलर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये तो नहीं है, तो कृपया आप लोग कमेंट कीजिएगा गाइस, और थोड़ा सा अपना ओपिनियन दीजिएगा। और फिलहाल तो गाइस इवनिंग का मज़ा ले रहे हैं, अभी थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद वापस घर चले जाएंगे। और चश्मा, फर्स्ट टाइम चश्मा पहन के ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो पता नहीं कैसा लग रहे होंगे, तो गाइस थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा गाइस, और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा गाइस, बिकॉज अभी ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा। और ब्लॉग लेट आने का कारण तो आप लोग को पता ही है कि मेरा GoPro एकदम क्या ही बोलें गाइस, तुरंत ख़रीद भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा दिन वेट करना होगा, फिर से वापस आएंगे एकदम नए अवतार में। ये भी नए अवतार में आएगी और हम भी नए अवतार में वापस आएंगे गाइस, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ज़्यादा दिन का वेटिंग नहीं रहेगा। और भाई ट्रक वाले ने क्या सजा रखा है यार, देख सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई मेरी ब्यूटी, तो गाइस अभी चलते हैं घर, और अभी तूफान मचाते हुए घर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो गाइस देख सकते हैं रोड के उस पार PCR भी है, और हमको इसी वजह से हमको जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, बिकॉज अगर PCR का नज़र एक बार पड़ गई तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है और वो लोग एकदम पागलों की तरह एकदम पीछे पड़ जाएंगे, एकदम जैसे पागल पीछे पड़ता है ना उस तरह गाइस ये लोग पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए गाइस फाइनली गाइस आप लोगों को अच्छा लगेगा ब्लॉग, तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दबा कीजिएगा वंस अगेन, मैंने फिर दोबारा से कह दिया, क्योंकि थोड़ा सा लेट वीडियो आएगा, उसके लिए सॉरी रहेगा सभी भाइयों एवं बंधुओं से।